आगे को भी तो बढ़, आगे को भी बढ़। अब कौन सा गाएगा? कौन सा? नहीं मैं पारन गा फिर। मैं गाऊं, चल डांस कर। हाँ यहाँ को देख, सबसे हमारी सिंगर। हेलो है दोस्तों, नमस्कार, पहला बार पढ़ना, हम आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी, ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है दिन से, और आजकल मुझे ना ब्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी गाय की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। इस वजह से सवेरे में तो मतलब पूरा दिन उन्हीं के पीछे लग जा रहा है, 12-1 बज जा रहा है गाय के पीछे पीछे, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके। और उसके मतलब नीचे मैं जैसे भी टॉयलेट वॉयलेट कर ले रही हूँ, तो उसको बिल्कुल गीला नहीं रहने दे रही हूँ, फटाफट साफ करते रह रही हूँ, ताकि ना उसमें मक्खियाँ ना बैठे। अगर मक्खी बैठ जाएंगी ना उसमें, तो कीड़े पड़ने की डर रहती है ना, इस वजह से। तो मैं बाहर मतलब दिन भर गाय के पीछे लग जा रही हूँ। अभी 1-1.5 बजे लड़का आ जाता थोड़ी देर उसके पीछे, अब उस पता है बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं गाय के चक्कर में, क्योंकि 24 घंटे मुझे इसी के आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है ना, वैसे करके मुझे अभी इसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि होता है ना क्या कहते हैं, जिस टाइम पे ज़रूरत थी इस टाइम को दूध दिया, सब कुछ किया। मतलब जानवरों से हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा वो मिलता है, प्रॉफिट होता है उनका दूध, बच्चों के लिए घर में दूध मिल जाता है, सब कुछ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको इतनी बीमार हो गई, इतना रुपया लग गया, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसकी तरफ देखूँ ही ना अब, या किसी को दे दूँ, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर नहीं आती है। बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा कुछ हो गया तो जानवरों को इधर उधर दे देते हैं, बट मुझसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसके पापा से भी ऐसा कुछ है नहीं। वो भी कह रहे हैं जहाँ तक होगा हम इसका इलाज मतलब जितना लग सकता है, जितना हम कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा, आज 1 हफ्ते से ऊपर इस गाय को हो गया है, उठ नहीं पा रही है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं पता है, सवेरे इसके पापा स्कूल से आ जाते हैं, 3-4 आदमी बुला लेते हैं, तो 2-3 आदमी बुला के हम इसको बाहर धूप, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है, दिन भर अंदर ठंडे में हम रख नहीं रहे। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो अंदर ही रहा था, फिर इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, थोड़ी शरीर में इसकी जान आ गई थी, तो हम उसको खड़ा कर दे रहे हैं ऊपर मतलब धोती में बांध बूंध के। तो फिर अपने आप चल के अपनी जगह में थोड़ी देर, आधा घंटा लगभग खड़ी हो जा रही है, फिर उसके बाद ये थक जा रही है तो बैठ जा रही है। फिर दिन भर इसको हम धूप में रहने दे रहे हैं, फिर जैसे थोड़ा शाम शाम और इसके पापा घर आ जाते हैं, फिर से हम इसको अंदर रख देते हैं, ताकि फिर कह रहा ये ना धूप धूप में खड़ी होने की कोशिश कर रही है, फिर ठंडा हो जा रहा है तो ये उठने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है। इसलिए तो यहाँ पर हमारी गाय अच्छी बैठी है, ये देखो ये इसमें अभी मक्खियाँ लगी हैं, तो मैंने इसके पापा से स्प्रे मंगाया है ताकि मक्खियाँ ना लगें करके, क्योंकि क्या जानवर चलता फिरता रहेगा तो जैसे खड़ी होती तो अपने हाथ पैर चलाती, पूँछ से मक्खियाँ भगा सकती है, या नहलाना धुलाना नहला, तो मैं इसको वैसे भी नहीं रही हूँ ताकि ठंडा है, फिर कहीं और ज़्यादा ठंडा ना लग जाए, फिर उठ ही ना पाए करके, इस वजह से मैं इसको नहला नहीं रही हूँ। हाँ कहीं पर कभी गंदा हो रहा है तो हल्का हल्का पानी गीला कपड़ा गीला करके उसको पोंछ दे रही हूँ। बहुत केयर करनी पड़ती है यार जानवरों की। तो गाइस अपने थोड़ा सा काम बचा है, बर्तन मैंने काट दिए, बर्तन मैंने धोने हैं, तो बर्तन को पहले धो लेते हैं। तो गाइस हमारा छोटा बाबू स्कूल से घर आ गया ना, और से काम देखो, ट्रक में बिस्कुट रखे जा रहे हैं, और खेतों में खाद है जो डलने लग गई है, यहाँ पे डाल के अभी हम लोग ऊपर वाले खेतों में गए हैं खाद डालने के लिए, और यहाँ पर बनाती हूँ मैं आज कल गाय के लिए दाला। फ्रेंड्स फाइनली मंगा दिया मैंने ये दवाई, इसमें ऐसे सकल आया ना, भी धूप में जा कर क्या बताऊँ, यह जो गाय के ऊपर डालने के लिए। और पता है एक गुड न्यूज़ भी है, मतलब वैसे मेरी गाय की डिलीवरी का टाइम अभी था नहीं, वही जनवरी लास्ट लास्ट, बट
डिलीवरी हमारी गाय की कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है और हमारे घर में छोटी सी बाबू आ गई है। इसका नाम है चंदा, तो हमने इसका नाम चंदा रख रखा है। बट क्या हो ना, गाय जल्दी वो हो गई तो इसके लिए दूध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाय के थनों से बिल्कुल भी दूध नहीं निकल रहा है। तो हमने इसके लिए दूध लगा रखा है आधा किलो, मतलब एक किलो ही लगाया है बच्चों के लिए भी और इसके लिए भी हो जाता है। वैसे तो क्या वो वहाँ पर वो निप्पल रखा हुआ है हमने इसके लिए, निप्पल में वो करके इसको हम दूध पिलाते हैं। उसको भी दूध पिलाने का टाइम हो गया ना, तभी चिल्लाने लग गया अम्मा अम्मा करके। तो ये हमारे घर में 8 महीने में हो गया, ये हो गया क्या हो गई। तो इस फिर थोड़ा सा मैं इसके वहाँ डाल देती हूँ, थोड़ा गाय की कंडीशन अभी पहले से बेटर है, क्योंकि होता है ना हम ही इंसान क्या जानवर क्या, मतलब अगर पेट में बच्चा रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है, खुद अपना वजन तो उठा नहीं पा रही थी, ऊपर से इसके पेट में बच्चा था। तो बच्चा हो गया है तो इसलिए थोड़ा अपना शरीर भी इसका हल्का हो गया है। तो इसको छिड़काव करते हैं इसके, फिर देते हैं हम छोटे बाबू को दूध। अभी बज गए हैं शाम के 4 और यहाँ मैंने साफ़ कर दिया है, सिर्फ मुस्कान रह गई है बाहर ही। अब उसके पापा आएंगे थोड़ी देर में, तो फिर अंकल या दादा लोग जो भी आएंगे फिर जाके इसको अंदर रखेंगे। हमारी छोटी बाबू है ना, वो इतने मजे से सो रखी है ना, इसके लिए खूब पराल बिछा रखा है ताकि इसको क्या है ना ठंड ना लगे। अभी अभी हुआ ठहराना ये, तभी इसको हमने ये ये हुई हमारी क्यूट सी छोटी बाबू। और इसका नाम भी हमने रख लिया है, इसका नाम ना चंदा रखा है, चंदा इसका नाम, क्योंकि इसके माथे पे सफ़ेद बिंदु है ना यहाँ पर ये, और बाकी कहीं पर नहीं, सिर्फ पैरों पर है और ये यहाँ पर इसके माथे में है, तो इसलिए इसका चंदा नाम है। और इसकी दीदी का नाम चांदनी है, जो मुस्कान की बड़ी वाली लड़की है, उसका नाम चांदनी, इसका नाम हमने चंदा रखा है। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हुए हैं इसको बचाने के लिए और ठंड से बचा रहे हो। गाय का तो अभी दूध हो नहीं रहा है, इसलिए इसको हम निप्पल में दूध पिला रहे हैं ताकि ये बच जाए करके। और मुस्कान कुट्टी कुट्टी दे रही हूँ, फिर भी ये खा नहीं रहा है, तो सोच रही हूँ क्या खिलाऊँ क्या खिलाऊँ करके। सब चीज़ है, कैल्शियम हो गया, मतलब टोटली दवाई इसके लिए आते ही नहीं, जैसे जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा हम इसके लाते ही जाते हैं। इस वजह से हमारा रॉकी सिंह इतना भाग रहा है कि उधर पे वो लाली आई, लाली के लिए भौंक रहा है हमारा रॉकी। आज बहुत दिनों बाद दिख रही है लाली, ये तो इसके पहले एक जन लाली के बच्चे यहाँ निमंत्रण नहीं हुए थे, वो विदेश यात्रा में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर लाली के लिए भौंक रहा है। और बनने लगे मेरा दाला, अभी काला जो दाला था उसमें मैंने कैल्शियम मिलाया। तो मुस्कान क्या हो रहा है ना, ये कैल्शियम की महक से कल तक तो अच्छे से खाती, सवेरे भी अच्छे से खाया, तो क्या हो गया कैल्शियम की महक आ रही है, दाला ही नहीं खा दे रही है। तो दाला सारा मैंने बच्चों को दे दिया, तो अपने आप खा के करके मैं सोच रही हूँ इसको कैल्शियम में थोड़ा सा करके बोतल में डालूँ, वैसे करके पिलाऊँ, क्योंकि ऐसे तो दाला भी नहीं खाएगा और कैल्शियम भी वैसे नहीं खा पाएगा। तो मैं इसके लिए ये स्कीम सोच रही हूँ। जो है ना शाम हो ही गया, लगभग 5 बज गया है, तो हम लोगों ने गाय को अंदर बुला दिया है, क्योंकि पड़ोस के बच्चे आए, तो 2-3 ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले तो पेट में बच्चा था तो थोड़े भारी थी गाय, इस वजह से तो आदमी ज़्यादा अच्छी हो रहे थे। अब 2-3 आदमियों में उठा के हमने इसको उठाया खा ली, फिर अपने आप चल के यहाँ तक आ गई। और गाय जी ऐसे खड़ी हो जाती है अपने शरीर के बल पर, पहले तो पैर भी बहुत टेढ़े टेढ़े करती थी, अब पैर भी लगभग सही हैं, तो यहाँ पर खड़ी हो गई है ये। तो मैं सोच रही हूँ कैसे भी करके एक बार मेरी गाय अच्छी हो जाए, तो क्या बताऊँ दिल में, मतलब जो अम्मान है ना गाय को लेकर, बस इतना ही है कि एक बार सही हो जाए करके। जैसे ऐसी खड़ी है अभी, अपने आप अंदर बाहर जाने लग जाए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ कर रही हूँ। अरे हमारा चंगू है, ये ऐसी सो रखा है, ये ऐसी नींद आ रही है ना इसको, ये मैंने इसको ये ढका रखा है ताकि इसको ठंडा ना कर को करके। अभी ये गाय सो जाएगी थोड़ी देर, अपने आप सो जाती है, ऐसे गिरती भी नहीं है, सो जाएगी। तो इसको भी मैं चादर से ढक दूँगी ताकि इसको भी ठंडा ना हो। तो अब एक को तो बांधती है मैंने, अब बच रखी है थोड़ी, उसको लेकर आती हूँ पहले। और यहाँ पे ऐसे लकड़ियाँ लगाई हैं ये, ताकि ये वहाँ को ना जा पाए करके। और बीच में एक डंडा यहाँ पर भी लगाना पड़ता है, पता मैंने कहाँ पर, ये यहाँ पर से ऐसे, क्योंकि वो थोड़ी है ना जो इसी के साइड पाए रहती है इसलिए। तो गाइज यहाँ पे पापा की परी का और पापा के परी के पापा का देख रहे हो, ये लाड़ प्यार हो रहा है। परी रो रही है और पापा बुला रहे हैं, बोले बाबू चुप हो जाओ तो कहो फिर निका बोले बाबू चुप हो जा। आंखें देखो पापा की परी की, अभी मेरे मगरमच्छ को आने दो, फिर कुटाऊंगी मैं,
फिर कहूँगी चूटो इन दोनों को। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मतलब उसने कुछ डिमांड तो करी है ना वहाँ से, ठीक है का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब वो चीज़ आएगी ना। आपको क्या करना है जुआ? क्यों मम्मी से तो इस पानी की रोहड़ी होगी इसको इतनी। पापा अच्छे हैं, मम्मी गंदी है, है? सुबह अपन नाश्ता बनाएंगे ना, फिर स्कूल लंच पापा बनाएंगे। तो नहीं बनाना वो सब काम, तू नहीं करना है। अरे तुम क्या करोगे? बाप रे, प्यार देख रहे इन दोनों का, अटूट प्यार बब्बा, ऐसा प्यार होता है क्या बाप बेटी में? देखो चेले की नजरें मेरे को देख देख के डड़वे जैसी नाखें तान रही है। अच्छा दिखा दो, ये देखो ये डड़वे जैसी, अब आई चेहरे मुस्कान थोती कहीं की। ये आपको तो कौड़े के दांत भी नहीं, बुढ़ी हो गई फिर मैं? चार दांत नहीं है, चार दांत में कीड़ा लगा। अपने आ करो तो एक बार। तो अभी ना बज गए हैं शाम के 7:30 और खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, जस्ट अभी खा रखा है और ये तो खाने में ही है। एक रोटी खाती है, एक रोटी में पता नहीं 36 मंत्र पड़ेगी पहले उस रोटी में, तब जाके ये रोटी खाती है। तो गाइस कितने दिन हो गए, कितने दिन क्या हो गए, मतलब जब से गाय बीमार हो रही है मुझे बाल बनाने तक का टाइम, मैं नहाती हूँ बस सर में, बस यही है, कंघी तक मैंने कर नहीं रखी है बाल में। पापा के लिए छाई रोटी है और ये पापा की पड़ी है, उसको पापा ने बात खा रखा है, रोटी कम खाएंगे। तो क्या होगा तो पूरा ध्यान है जो गाय के ऊपर ही जा रहा है, बच्चों को इतना ध्यान दे नहीं पा रही, फिर अपना तो फिर अपना ही रह गया है। सकल में बार बज गया लगन भर में सब, क्योंकि क्या है ना गाय की टेंशन 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 में ऐसा ही हो गया, रात भर उठे रहो, पहले तो गाय थी गाय पे, अब उसका बच्चा है तो और ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है, कहाँ बच्चा हो क्योंकि छोटा सा 8 महीने का, वो फिर भी मैं उसको बांध के वो पता क्या कर रहा है, उसको हम दूध पिला रहे हैं तो पी रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ गर्दन फेंक दे रहा है, इतनी जोर जोर से वो सांसें ले रहा है ना, डर टाइप का लग जा रहा है। फिर भी उम्मीद मैं इतना ही कहूँगी यार, पर दोनों सही हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्चा भी सही हो जाए और गाय भी, दूध की टेंशन नहीं है, दूध तो मैंने लगाए रखा, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा एकदम से भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं पिला रही हूँ उसका पेट भरने तक। अब सोच रही हूँ कैसे, मतलब जैसे ना 20-25 दिन तक अगर वो सही रहेगा तो गाय का बच्चा, अगर ऐसे हम दूध पिलाते रहेंगे तो शायद से सही हो जाए, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, फुदक फुदक के कहीं कहीं पर चल रहा, दूध पिला रहे हैं तो फिर वो लोटपोट हो जा रहा है, उसको देख कर डर भी लग रही है। फिर भी मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं दोनों को सही कर बचा लूँ, बचा के लूँ, बची गए गाय मेरी खड़ी हो जाए, अपने पैरों में चलने लग जाए और उसका बच्चा भी अच्छा हो जाए करके। और कितने खुश हो रखे हैं पता है हमारे घर में ये हमारे नन्हे मुन्ने, क्योंकि अब छोटा सा बाबू आके करके होता है ना घर में, किसी भी चीज़ का नया मेम्बर कोई आता है ना बच्चा, तो घर में रौनक टाइप के आ जाते हैं, मतलब स्कूल से आने से जाने से पहले भी उसी के साथ मिल रहे हैं, स्कूल से आने के बाद भी उसी के साथ, मतलब दिन भर ही उसी के साथ खेल रहे। छोटा वाला तो मुझसे क्या बोल रहा है, मम्मी बोले इसको गोदी पकड़ो, इसको दुकान लेके चलते हैं, मैं हिट्टी करके चलूँगा, ये गोदी में आएगा, ये लो, ये ऐसी ऐसी बातें कर देता, और स्कूल में सबको बता के आया है। इसकी मैम का फ़ोन आता है, इसकी मैम भी कह रहे थे, ऋषि तो कह रहा था हमारी गाय का छोटा सा बाबू हो रखा है, स्कूल तक इसने खबर पहुँचा दी, इतने ज़्यादा खुश है उसके साथ। तो गाइस फिर से मैंने रात में वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय भारत, जय उत्तराखंड।